वाह, कौशा फूल गोभी बना है आज। हलवाई भी फेल है इसके सामने। अगर आप स्पाइसी लवर हो तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसके संग पूरी, पराठा, नान जो भी खाइए आप, एक बाइट खाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सब्जी। एक नंबर। मम्मी आज क्या बना रही हो? आज हम गोभी का सब्जी बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे जो हलवाई से भी बेहतर बनेगा। और एक मेरा ऐसा ट्रिक है जो अंत तक देखना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक देखने से वो स्पेशल ट्रिक आपको पता चलेगा। हाँ, चलिए बनाते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले एक गिलास पानी डाल दें। हाँ, उसके बाद एक लौंग डालूंगी, क्योंकि आलू आजकल मीठा हो चुका है। लौंग डाल के एक सीटी लगा लूंगी तो मीठापन उसका निकल जाएगा। साथ में गोभी भी है, उसका कीड़ा मकोड़ा सब मर जाएगा। थोड़ा नमक डाल देंगे, सब पहले सब्जी डाल दें। मटर डाल दिया, गाजर डाल दिए, बीन्स डाल दिए, आलू डाल दिए, उसके बाद फूलगोभी डाल दें। धीरे धीरे करके सब सब्जी डाल दिए, गोभी, मटर, गाजर, बीन्स सब डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि गोभी में जो भी कीड़ा रहेगा सब मर जाएगा। अब क्या करना है? अब ढक्कन लगा के एक सीटी हाई फ्लेम पे लगा देंगे। एक सीटी लगने के बाद सीटी को इस तरह निकाल दें, भाप, पूरा भाप निकाल दें। ढक्कन खोल के उसके बाद इसे एक छलनी में छान लें, छलनी में छान लें। अब कढ़ाई में मम्मी तेल गरम कर ली है। अब ये कलौंजी डालेंगे, हाफ चम्मच कलौंजी है, एक टुकड़ा अदरक कूट के डालें, दो लाल मिर्च, आधा तेज पत्ता, ज़्यादा पसंद नहीं है आपको, ज़्यादा पसंद है तो दो दे सकते हैं, एक दे सकते हैं पूरा। दो मीडियम साइज का प्याज इस तरह लंबा लंबा काट लिए। एक मिनट तक प्याज को फ्राई करने के बाद बॉईल किया हुआ सब्जी डाल देंगे। हाई फ्लेम में सब्जी को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन हो जाने के बाद मसाला डालेंगे। 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद सब्जी गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें मसाला डालेंगे। सबसे पहले क्या डालेंगे? सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक बॉयल का टाइम में थोड़ा सा दिया था, उस अंदाज से फिर टेस्ट के अनुसार डालेंगे। हाफ चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, तीखा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सब एक साथ डाल देंगे। सब मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 मिनट तक मसाला को भूनेंगे जिससे मसाला का गंध चला जाए। सब्जी कितना अच्छा भून के तैयार हुआ है, कलर देख के ही टेस्टी लग रहा है। अब इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। ग्रेवी के अनुसार आप पानी डालिए। हम लोग कितना ग्लास डालें? हाफ ग्लास डालें, हमको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। आपको ज़्यादा चाहिए तो 1 गिलास डाल सकते हैं। फ्लेम लो करके इसे ढक दीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अब इसे निकालेंगे, देखिए। वाह, क्या कलर आ रहा है। इसको ऐसा ग्रेवी हम रखेंगे, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, रोटी के संग खाना है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। धनिया पत्ता मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जिन्हें पसंद है वो डाल सकते हैं। ज़्यादा डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा। मैं थोड़ा सा डाली हूँ, उसे पसंद नहीं। इसके बाद जो ट्रिक बताए थे आपको, आधा चम्मच अंत में पिज्ज़ा सॉस डाल देंगे। पिज्ज़ा सॉस? हाँ। कौन से कंपनी का? किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब इसको मिला लीजिए। पिज़्ज़ा सॉस डालने से क्या होगा? इसका सुगंध बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी थोड़ा बदल जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये कौशा कौशा बना है, बंगाली में जो बोलते हैं, कम ग्रेवी में। हाँ, 1 मिनट तक ढक के रख दीजिए, उसका सुगंध
सारे सब्जी में फैल जाएगा। वाह, कौशा फूलगोभी बना है आज। बंगाली में कहते हैं इसे कौशा फूलगोभी। हलवाई भी फेल है इसके सामने। इसके संग पूरी, पराठा, नान जो भी खाइए आप, एक बार खाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सब्जी। एकदम लाजवाब। अब हमेशा ही फूलगोभी मार्केट में खोजेंगे। कलर तो देखो। चलो इसको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा बना है। आओ टेस्ट करते हैं। आज भाई टेस्ट कर रहा है गोभी, कौशा गोभी की सब्जी राइस के साथ, क्योंकि उसे राइस ही पसंद है। बहुत गर्म है। हाँ, अभी अभी बना है। वो डिलीशियस, टेस्ट करके बताओ। कैसा बना? बहुत स्पाइसी है और मजेदार और टेस्टी भी है। थोड़ा अलग टेस्ट आ रहा है। हाँ, मम्मी ने आज एक नया ट्रिक निकाला है। आलू और फूलगोभी दोनों ही एकदम सॉफ्ट है, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आप स्पाइसी लवर हो तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक नंबर भाई, अप्रूव्ड।